इस 2023 में कौन सा एसी आपको नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में आप लोग को वही पता चलने वाला है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, कहीं ऐसा ना हो आप एसी तो परचेज कर लो लेकिन पूरा सीजन आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ कौन सा एसी आपको लेना चाहिए और कौन सा एसी आपको नहीं लेना चाहिए, दोनों चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इसी तरह का रोज इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये आता है, कभी भी एसी परचेज करने जा रहे हो दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि जिस भी दुकानदार से आप परचेज कर रहे हो एसी को या फिर कोई भी मार्केट से कोई भी मॉल से, तो वहाँ पर आप लोगों को बस एक सवाल करना है कि भाई इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा ना हो कि वहाँ पर देखने गए एसी को और दुकानदार आपको अच्छा अच्छा एसी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का स्टार रेटिंग भी बढ़िया बढ़िया बताया और आप लोग एसी परचेस करके आ जाओ। आप लोगों को सबसे पहले ये सवाल तो जरूर करना है कि इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं, जो भी आप एसी यहाँ पर हमको दे रहे हो। अगर उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल होता है तो बढ़िया, गुड बात है, आप इजिली आप एसी को ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ये होती है कि उसका सर्विस सेंटर जहाँ पर भी रहता है उसका सर्विस फास्ट है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। आप इजिली वहाँ पूछ सकते हो दुकानदार को कि इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल तो है लेकिन इसका सर्विस हमें फास्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर फास्ट नहीं मिलेगा तो आप लोगों को बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपको रिपेयरिंग में प्रॉब्लम आएगा, आपका कॉल आप करोगे वहाँ पर तो बोलेगा दो दिन में विजिट हो जाएगा, तीन दिन में विजिट होगा, या फिर आपका अच्छा खासा समय लग सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि कभी भी हम एसी परचेस करते हो तो उसका सर्विस फास्ट मिले हमें, ठीक है। कौन सा एसी का फास्ट मिलता है सर्विस वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आप लोगों को बस ये चीज़ ये सवाल आप लोगों को दुकानदार से पूछना है कि इसका सर्विस सेंटर है या नहीं है और इसका सर्विस किस हिसाब से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर हमें पता ही ना हो कि इसका सर्विस सेंटर कहाँ पर है तो हम कैसे पता करें। पता करने के लिए आपको क्या करना हो, गूगल मैप में सर्च करना हो, जो भी आप एसी परचेस कर रहे हो उसका सर्विस सेंटर का नाम लिखना है जो भी आप एसी ले रहे हो। एरिया वाइज आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा कि उसका सर्विस सेंटर उस जगह पे अवेलेबल है या नहीं है। अब यहाँ पे बात यह आ जाती है कि कौन सा एसी हमें नहीं लेना चाहिए इस 2023 में, कौन सा एसी का सर्विस हमें फास्ट नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो एसी है वो है हमारा हिटाची। हिटाची का मैंने ये नोटिस किया है, जिस जगह पे मैं रहता हूँ धनबाद में, वहाँ पे सर्विस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जहाँ पर भी प्रॉब्लम हुआ है एसी में उसका सर्विस फास्ट हमें देखने को नहीं मिल पाया है, या फिर ऐसा भी हुआ है कि उसका पार्ट्स वगैरह अगर ख़राब हो रहा है तो बहुत समय लग जाता है पार्ट्स वगैरह आने में। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, भाई गर्मी में एसी का मज़ा लेना है तो ऐसा होगा गर्मी आपका निकल जाएगा, उसके बाद आपका पार्ट्स आएगा, उसके बाद आपको एसी का हवा मिले ठंडा में, तो एसी लगाने से क्या फ़ायदा, ऐसा तो कुछ बेनिफिट ही नहीं है। तो आपको हिटाची के एसी, कभी भी आप एसी परचेज कर रहे हो ऐसा नहीं है कि एसी को परचेज ही नहीं करना, भाई परचेज कर सकते हो, लेकिन हाँ उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल हो और उसका सर्विस फास्ट हो, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग सर्विस मिलता है, कहीं फास्ट मिलता है कहीं स्लो मिलता है, तो ये अलग अलग जगह पे वेरी करता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो धनबाद है वहाँ पर लगता है मुझे कि थोड़ा स्लो मिलता है, तो अब धनबाद में अगर रहते हो तो भाई हिटाची से थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि प्रॉब्लम आपको आ सकता है सर्विस में। नेक्स्ट जो एसी हमारा आता है वो आता है हमारा मिट्सुबिशी हेवी ड्यूटी। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में अपने बताया है, तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा इस 2023 के लिए कि आप मिट्सुबिशी हेवी ड्यूटी अगर लेने जा रहे हो तो आपको सोच समझ के लेना, क्योंकि इसका सर्विस कहीं कहीं जगह पे हो सकता है और हर जगह पे आपको शायद ना मिले, क्योंकि मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी जो है उसका सर्विस सेंटर आपको हर जगह पे मिलेगा, आपको फास्ट सर्विस मिलेगा, आपका पार्ट्स वगैरह अगर ख़राब हो जाता है इजिली आपका पार्ट्स भी मिल जाएगा, रिपेयरिंग में भी कोई तरह का इशू नहीं आएगा। मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक में अगर आप मिट्सुबिशी हेवी ड्यूटी लेते हो तो उसका सर्विस हो सकता है आपको लेट मिले, हो सकता है आपको वहाँ पर ना मिले, एक महीना डेढ़ महीने भी लग सकता है, या फिर आपका कोई पार्ट्स अगर ख़राब हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो अब मिट्सुबिशी हेवी ड्यूटी अगर लेने जा रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसका सर्विस हो सकता है आपको फास्ट ना मिले। तीसरा जो एसी आता है वो हमारा आता है पैनासोनिक एसी। पैनासोनिक एसी बहुत पुराना एसी है, बहुत जगह पे सर्विस बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये होता है कि उसका सर्विस फास्ट नहीं मिल पाता है। अगर फास्ट सर्विस ही ना मिलेगा तो एसी लेने से क्या फ़ायदा है, एसी तो ले लेंगे हम लेकिन उसका सर्विस में कोई तरह का इशू आता है, कोई तरह का प्रॉब्लम आता है हमारे एसी में, तो उसको कैसे ठीक करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो एसी लेने से पहले आप ध्यान दें कि उस एरिया में सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं, अगर सर्विस सेंटर अवेलेबल है तो सर्विस कैसा है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप एसी इजिली परचेस कर सकते हो। एक और एसी के बारे में आप लोग बताना चाहूंगा, हायर का जो एसी होता है उसका भी सर्विस हो सकता है आपको हर जगह पे फास्ट ना मिले, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल हो तभी आप एसी इजिली परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप एसी को ना ले। अब गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन सा एसी आपको लेना चाहिए, कौन सा एसी का आपको सर्विस फास्ट मिलेगा हर जगह पे, ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया है, ठीक है। सबसे पहले जो नंबर पे आता है वो हमारा था सैमसंग। सैमसंग का सर्विस हर जगह पे फास्ट मिलता है, कोई तरह का इशू नहीं, आप कहीं पर भी एसी परचेज कर सकते हो, ऐसा मैंने नोटिस किया, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना उस एरिया में सर्विस सेंटर है या नहीं है, ठीक है, तभी आप एसी परचेज करना। ऐसा सैमसंग का इजिली हर जगह पर सर्विस सेंटर मिल जाता है।
नेक्स्ट जो हमारा एसी आता है वो हमारा था एलजी। एलजी का भी सर्विस सेंटर आपको ज़्यादातर एक जगह पे देखने को मिल जाता है, लेकिन हर हर बार मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि सर्विस सेंटर देखकर ही एसी आप ले। लेकिन एलजी का जो एसी रहता है अगर उस जगह पे आपका नहीं भी रहता है तो आपका बहुत फास्ट सर्विस मिल जाएगा, कहीं से भी वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं, कोई तरह का इशू नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि एलजी और सैमसंग में होता ही है कि कोई भी पार्ट्स अगर आपका ख़राब होता है या कोई तरह का भी दिक्कत होता है तो बहुत जल्दी आपको पार्ट्स मिलेगा, जो आपको सर्विस होता है वो आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। एंड गैस कोई भी अगर पार्ट्स अगर ख़राब भी हो जाता है तो आपको कम समय में ही पार्ट्स आपका लग जाएगा, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये तो दो एसी था, सैमसंग और एलजी। अब जो तीसरा जो एसी आता है जिसका सर्विस फास्ट मिलता है वो हमारा आता है मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी। मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी का सर्विस सेंटर ज़्यादातर जगह पे अवेलेबल है, कोई तरह का दिक्कत नहीं आता है। प्लस इसमें कोई तरह का भी इशू आता है आपका एसी में तो भाई उसका सर्विस जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका पार्ट्स वगैरह खराब होता है तो बहुत कम टाइम में आपको वो पार्ट्स मिल जाएगा और रिपेयरिंग में भी कोई तरह का इशू नहीं आता है। मतलब मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी आप लेने जा रहे हो तो इजिली आप उसे परचेस कर सकते हो। भाई कूलिंग तो दमदार इसमें मिलता है, मतलब गर्मी भी आपको ठंडा लगेगा, इस प्रकार कूलिंग रहता है। सैमसंग और एलजी से बेहतर होते हैं मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी। इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है लेकिन हाँ भाई चीज बहुत बेहतर है, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं है। तो भाई अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस 2023 में आपको कौन सा एसी नहीं लेना चाहिए और कौन सा एसी लेना चाहिए। अगर आप कोई भी एसी ले रहे हो तो भाई सर्विस सेंटर पता करो कि उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं, तभी आप एसी को परचेस करो। चाहे कोई भी एसी लो, एलजी हो, सैमसंग हो, पैनासोनिक हो, गोदरेज हो या फिर मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक हो, कोई भी एसी ले रहे हो तो उसका सर्विस सेंटर पता करके ही एसी को लेना है। ऐसे ज़्यादातर मैंने जैसे आप लोग बताया एलजी, सैमसंग, मिट्सुबिशी इलेक्ट्रिक या फिर आपका वोल्टास हो गया, कैरियर हो गया, ये सब जो एसी होता है इसका सर्विस सेंटर ज़्यादातर हर जगह पे अवेलेबल होता है, तो ये सब एसी लेने में कोई तरह का इशू नहीं है। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था, यही जानकारी के बारे में कि 2023 में कौन सा एसी आपको लेना चाहिए, कौन सा एसी नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।